हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 17 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो है कवर करते हैं। तो यूपी का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के मेले। तो याद रखेंगे आप, जो रामनवमी मेला है ये अयोध्या में लगता है, शाकंभरी देवी का मेला सहारनपुर में, गोविंद सागर मेला अम्बेडकर नगर में, राम बारात मेला आगरा में, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, श्रावणी मेला फरुखाबाद में, सोरू मेला कासगंज में, रामनगरिया मेला फरुखाबाद में, रामायण मेला चित्रकूट में, कैलाश मेला ये आगरा में लगता है और हर साल श्रावण के तीसरे सोमवार को ये लगता है, परिक्रमा मेला अयोध्या में, कबीर मेला मगहर जो कि संत कबीर नगर में है, देवी पाटन मेला बलरामपुर में, कालिंजर मेला बांदा में, बलसुंदरी देवी मेला अनूपशहर में और गोला गोकर्णनाथ जो चैती मेला है ये लगता है लखीमपुर खीरी में। दोस्तों, जो गोला गोकर्णनाथ ये क्या है, ये एक नगर है जो कि लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। तो यहाँ पर एक चैती मेला लगता है जो कि फेमस होता है गोला गोकर्णनाथ चैती मेला के नाम से। तो याद रखेंगे आप, ये लखीमपुर खीरी से संबंधित है। ढाईघाट मेला शाहजहाँपुर में, मकनपुर मेला फरुखाबाद में, इसके अलावा देवा मेला बाराबंकी याद रखेंगे, नौचंदी मेला मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ से, कुंभ मेला प्रयागराज में, बटेश्वर मेला आगरा में, नैमिषारण्य मेला नैमिषारण्य सीतापुर में, कंपिल मेला बांदा में, सैयद सालार मेला बहराइच में, देवछठ मेला दाऊजी मथुरा में, नवरात्रि मेला आगरा में, गोविंद साहब मेला अतरौलिया आजमगढ़ में। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले थे कि कौन सा मेला जो है कहाँ से संबंधित है, किस जिले से संबंधित है। तो सभी आपको अच्छे से याद रखना है और इसे जो है हम रेगुलर रिवाइज किया करेंगे तो ये आपको आसानी से याद बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को प्रदेश का पहला सर्विलांस शहर घोषित किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, नोएडा को। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुत्तों की वृद्धि रोकने के लिए किस जिले में नए पशु जनसंख्या नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लखनऊ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ईबुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसकी PDF ईबुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF है इसमें हमने जनवरी 2022 से लेकर के अगस्त 2022 तक की यूपी करंट अफेयर, ध्यान रखेंगे यूपी करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। और अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कर्नाटक में। अगला है, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई। तो ये बन गई हैं विनेश फोगाट। अगला है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर कितने लोग जो है आधुनिक दासता के शिकार हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 50 मिलियन लोग। अगला है, भारत पुरुष T20 विश्व कप 2022 किसकी कप्तानी में खेलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, रोहित शर्मा की कप्तानी में। अगला है, भारत में हर साल इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस देश की पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में किबिथू मिलिट्री गैरिसन का नाम बदल करके जो है किसके नाम पर किया गया। तो ये जो है जनरल विपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ए, गोंड जनजाति को। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य के जो भदोही जिला है, उत्तर प्रदेश का जो भदोही जिला है यहाँ पर जो है 5 उपजातियों कौन कौन सी हैं, तो धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड,
ये भदोही जिले की 5 उपजातियां हैं। इनके साथ साथ एक जनजाति समुदाय है, कौन सा? गोंड। ध्यान रखेंगे, एक जनजाति है गोंड। तो इसको जो है उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के जनजातीय मामलों के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि उत्तर प्रदेश की जो गोंड जनजाति है, जो गोंड समुदाय है, इसको जो है अब अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया, यानी कि ST की सूची में जो है इसे शामिल किया गया है, गोंड समुदाय को, याद रखेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की जो भदोही जिले की 5 उपजातियां हैं उनको भी जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया, तो वो भी ध्यान रखेंगे आप। धुरिया है, नायक है, ऊझा है, पठारी है और राजगोंड है। ठीक, ये तो हो गई हमारे उत्तर प्रदेश की बात। दोस्तों, यूपी के अलावा भी और राज्य हैं, 4 और राज्य हैं जिनकी जो जनजातियां हैं उनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया। उनमें से कौन कौन से राज्य हैं? तो याद रखेंगे, यूपी के अलावा है हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्य हैं कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश से। तो इनकी जो जनजातियां हैं उनको अब अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया। अब अगर हम बात करें और राज्यों की, जैसे हिमाचल प्रदेश है, तो कौन सी जनजाति है? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में रहने वाली है हाटी या हट्टी समुदाय। ये जो हाटी या हट्टी समुदाय है इसको शामिल किया गया। तमिलनाडु की अगर बात करें तो नारी कोरवन समुदाय जो है इसे कुरी विक्रन समुदाय में शामिल किया गया। इसके साथ ही कर्नाटक की अगर हम बात करें तो काडू कुरबा जो जाति है, इसके साथ ही बेट्टा कुरबा, ये कर्नाटक से संबंधित है और इसको भी जो है अब ST समुदाय में शामिल किया गया। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा और कई तरह से क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है। कैसे ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की किस समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया गया? तो याद रखेंगे आप गोंड को। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है कितने राज्यों की जनजाति जो समुदाय हैं उनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया? तो याद रखेंगे 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और छत्तीसगढ़। अब दोस्तों, यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन आपने देखा होगा इस तरह से आता है कि कोई जनजाति होगी और पूछा जाएगा किस राज्य से संबंधित है। तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब कोई जनजाति चर्चा में होती है। अभी जैसे ये सारी जनजातियाँ हैं ये शामिल की गई हैं ST सूची में, तो याद रखेंगे आप हाटी या हट्टी समुदाय कहाँ से संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। नारी कोरवन कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से। काडू कुरबा और बेट्टा कुरबा ये कहाँ से संबंधित है? कर्नाटक से। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे अच्छे से याद रखने हैं, आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिसिंग व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए और कितने नए थाने खोलने का निर्णय लिया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 18। दोस्तों, 14 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के गृह विभाग की जो प्रमुख हैं, प्रमुख सचिव हैं संजय प्रसाद, तो इन्होंने ये जानकारी दी है कि राज्य सरकार राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिसिंग को जो है बेहतर करने, जो व्यवस्था है पुलिसिंग व्यवस्था उसको और अधिक मजबूत बनाने के लिए 18 नए थाने और 22 चौकियां बनाने एवं कुशीनगर में एक नया पर्यटन पुलिस थाना खोलने का फैसला किया है। तो याद रखेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में 18 नए थाने, 22 नई चौकियां और कुशीनगर में एक नया पर्यटन पुलिस थाना खोलने की जो है फैसला किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने MRI का सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम विकसित किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दोस्तों, MRI का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप क्या होगा, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। दोस्तों, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर एक टीम ने देश का पहला सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम डेवलप किया। MRI मशीनों का अहम हिस्सा जो है ये होता है क्या, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम। फिलहाल भारत में आने वाली सभी जो MRI मशीनें हैं वो चाइना से आयात की जाती हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं अविनाश चंद्र पांडे, उनकी अगुवाई में इस स्वदेशी सिस्टम को डेवलप करने का काम इंटर यूनिवर्सिटी एक्सलरेटर सेंटर ने किया है। भारत खुद ही MRI मशीनें बना सकेगा और आयात करने के लिए अपनी विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। ये जो है इंडिया को लाभ होगा इसे, और इसके साथ ही भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जो
MRI मशीनें बनाते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे MRI का मतलब क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI का फुल फॉर्म है। और याद रखेंगे कि हाल ही में जो है किस यूनिवर्सिटी की टीम ने जो है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट सिस्टम डेवलप किया, तो याद रखेंगे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गौतम अडानी। और यहाँ पर आप गौतम अडानी की इमेज देख सकते हैं। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपको क्वेश्चन मैंने बताया था कि फोर्ब्स की एक सूची जारी की गई थी और उसमें ये बताया गया था कि जो गौतम अडानी हैं ये जो है दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। लेकिन हाल ही में फिर से फोर्ब्स की एक सूची जारी की गई और उसमें बताया गया कि जो गौतम अडानी हैं ये जो है दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और इन्होंने हाल ही में किसको पीछे छोड़ दिया, तो लुई वुइटन के, याद रखेंगे लुई वुइटन के बर्नार्ड अर्नोल्ट को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है और अब ये दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अब दोस्तों ये दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो इनकी संपत्ति कितनी है, तो याद रखेंगे 153.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर इनकी संपत्ति है, जबकि जो बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं इनकी संपत्ति 153.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ठीक, तो याद रखेंगे। अब जो गौतम अडानी हैं वो केवल एक व्यक्ति से पीछे हैं और उनका नाम क्या है, तो एलोन मस्क, ये जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति अभी पर बने हुए हैं। तो इनसे ही केवल ये गौतम अडानी पीछे हैं, याद रखेंगे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति ये बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो ओजोन परत के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ये जो दिवस है वो मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या रही 2022 की विश्व ओजोन दिवस की, तो याद रखेंगे पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग, ये जो है साल 2022 की थीम रही विश्व ओजोन दिवस की। यह जो दिवस है पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयासों और सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है और इसे प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ से याद रखेंगे दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का पूर्व उत्पादन यानी कि प्री प्रोडक्शन रन लॉन्च किया। इसकी स्थापना में अगर खर्च की बात की जाए तो 165 करोड़ रुपए इसमें खर्चा आया है और ये जो है 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्थापित दो इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण समूहों में से एक में स्थित है। तो यहाँ से क्या याद रखेंगे कि भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का जो पूर्व उत्पादन है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया, तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। याद रखेंगे भारत में पहली बार लिथियम सेल जो है उनका निर्माण किया जाएगा किस राज्य में, तो याद रखेंगे आप आंध्र प्रदेश में। दोस्तों लिथियम सेल है क्या और इसका यूज़ क्या है, तो जो लिथियम सेल हैं इनका यूज़ क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, वायरलेस हेडफोन हो गए और जो खिलौने हैं, खिलौने हो गए इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, इसके अलावा छोटे और बड़े उपकरण हो गए, इलेक्ट्रिक वाहन हैं, हैंडहेल्ड पावर टूल्स और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये जो सारी डिवाइसेस हैं इसमें किसका उपयोग किया जाता है, लिथियम सेल का। लिथियम सेल यानी कि जो ये बैटरी होती है उसको हम लिथियम सेल कहते हैं, तो बैटरी भी कई प्रकार की होती है ये चीज़ ध्यान रखेंगे, लेकिन ये जो लिथियम सेल है ये भारत में पहली बार जो है इसका निर्माण किया गया, तो याद रखेंगे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारत में पहली बार जो लिथियम सेल है इसका निर्माण कहाँ पर किया गया, तो आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, रोजर फेडरर ने 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा की। रोजर फेडरर ने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20 ग्रैंड स्लैम। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये रोजर फेडरर हैं जिन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों टेनिस स्टार रोजर फेडरर इन्होंने जो है 15 सितंबर 2022 को टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी। जो रोजर फेडरर हैं ये जो है
एक शानदार खिलाड़ी हैं टेनिस की। और दोस्तों अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में, तो जो रोजर फेडर हैं ये तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक, पहले नंबर पर कौन है अभी आप बताएंगे। तो दोस्तों जो रोजर फेडर हैं इन्होंने अपने करियर में पुरुष एकल खिताब में कुल 20 ग्रैंड स्लैम जीते, और फेडर जो है पुरुष सिंगल्स में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के मामले में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है तो राफेल नडाल, ये जो है पहले नंबर पर हैं और इन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। दोस्तों ये जो रोजर फेडर हैं इनकी पहली जो जीत है वो 2003 में विंबलडन में थी, जहां उन्होंने सेमीफाइनल में एंडी रोडिक और फाइनल मैच में मार्क फिलिपोसिस को हराया था। तो याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो रोजर फेडर हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है अपने खेल से, किस खेल से संबंधित हैं। तो याद रखेंगे आप, ये टेनिस से संबंधित हैं, और इन्होंने अपने करियर में कितने पुरुष एकल खिताब जीते हैं ग्रैंड स्लैम, तो याद रखेंगे 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीते हैं। और दोस्तों याद रखेंगे अगर ये पूछ लिया जाए कि रोजर फेडर किस देश से संबंधित हैं, तो स्विट्जरलैंड में इनका जन्म हुआ, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड से ये संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इंडिया। दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की जो मेजबानी है वो हमारा देश भारत करेगा 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच। ये द्विवार्षिक युवा टूर्नामेंट का 7वां संस्करण है। भारत में आयोजित होने वाली पहली फीफा महिला प्रतियोगिता होगी, ये जो आयोजित की जाएगी 11 से 30 अक्टूबर के बीच। तो भारत में आयोजित होने वाली ये पहली फीफा महिला प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता के आयोजन से देश में महिला फुटबॉल को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो याद रखेंगे कि भारत में पहली बार जो फीफा महिला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, कौन सी, अंडर 17 महिला विश्व कप। ठीक, तो ये कब आयोजित की जाएगी, तो 11 से 30 अक्टूबर 2022 के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने जो है स्कूलों में बच्चों के लिए स्कूल नाश्ता कार्यक्रम की घोषणा की है। यह घोषणा, ये जो योजना है, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर के 5 तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। पहले चरण में यह योजना निगम, नगर पालिका और गाँव के 1545 स्कूलों में लागू की जा रही है। तो याद रखेंगे, काफ़ी चर्चा में है कि कौन सी योजना, तो स्कूल नाश्ता कार्यक्रम, स्कूल नाश्ता जो योजना है किस राज्य से संबंधित है, ये तमिलनाडु से संबंधित है। और ये जो योजना है ये सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में लागू की जाएगी। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो छात्र होंगे उनको जो है सुबह नाश्ता दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन को। दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने यूक्रेन को 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की घोषणा की है। इसमें मोबिलिटी, आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम, क्लेमोर माइंस, नाइट विजन गॉगल्स, माइन क्लियरिंग इक्विपमेंट जो है ये शामिल हैं। अमेरिका के अनुसार यह यूक्रेन को अपनी उभरती युद्ध क्षेत्र आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो है प्रमुख क्षमताएं प्रदान करेगा। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं यूक्रेन और रसिया का जो है वॉर हुआ, इसमें जो यूक्रेन है इसकी जो आप देख सकते हैं कि जो सैन्य क्षमता है वो जो है कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है, बहुत ज़्यादा जो है इसको क्षति पहुंची है। तो इसी के चलते जो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने 600 मिलियन डॉलर के हथियार पैकेज की जो है घोषणा की है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन से संबंधित याद रखना है, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और ये इस साल खूब चर्चा में रहे। तो याद रखेंगे इनका नाम, आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे 17 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सभी लोग लाइक ज़रूर किया करो, और अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वीडियो में कहीं पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, लेकिन कमेंट या लाइक आप लोग ज़रूर करेंगे। तो ये रहा कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, विराट कोहली,
और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर क्या करो। तो ये रहा आज का क्वेश्चन, कौन सा राज्य अमृत सरोवर योजना में देश में पहले स्थान पर है। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पर अगर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करें चैनल को और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।